जी हाँ, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर बारूदी बवंडर, आज की कवर स्टोरी। एक महीना हो चुका है, एक महीना। इजराइल की सेना IDF और आतंकवादी संगठन हमास के बीच युद्ध को आज एक महीना पूरा हो गया। 7 अक्टूबर के दिन हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था, 1400 लोगों का नरसंहार किया था। 7 अक्टूबर, आज 7 नवंबर, और एक महीने के इस युद्ध का नतीजा यह है कि गाजा का करीब करीब आधा हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में अब आ चुका है। गाजा के 2 टुकड़े हो चुके हैं। गाजा का एक हिस्सा हमास के आतंकवादियों के कब्जे से आजाद हो चुका है। हमास मुक्त गाजा जल्द बनने वाला है। दुनिया भर के हमास प्रेमियों को यह सुनकर 440 वोल्ट का झटका लग सकता है कि गाजा के जिस हिस्से पर इजराइल का नियंत्रण हो चुका है, वहां से हमास की जड़ें अब हमेशा के लिए कटने वाली हैं। 7 अक्टूबर से आज 7 नवंबर इजराइल के प्रधानमंत्री, ये 2 तस्वीरें आप जानते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि जब भी जंग खत्म होगी, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा कि जब भी जंग खत्म होगी तो गाजा का नियंत्रण इजराइल ही संभालेगा। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि गाजा का नियंत्रण अब इजराइल के हाथों में होगा। गाजा इजराइल में शामिल होगा क्या, और गाजा की सुरक्षा व्यवस्था अनंत काल के लिए इजराइल के हाथों में होगी। जमीन की लड़ाई के नाम पर आतंक का जो खेल खेला गया, उसकी परिणति यह है कि अब जमीन ही जा रही है। इस ऐलान का मतलब यह है कि गाजा से हमास का नियंत्रण हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और अब हमास गाजा की धरती का इस्तेमाल 7 अक्टूबर जैसे आतंकी हमले के लिए कभी नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसका मतलब एक और यह भी है कि जो लड़ाई हमास से बदला लेने के नाम पर शुरू हुई थी ना, मतलब पहले कहा जा रहा था कि बदला बदला बदला, वो अब गाजा पर कब्जे की लड़ाई तक पहुंच गई है। गाजा पर कब्जा यानी कि इजराइल ने गाजा में घुसकर ना सिर्फ हमास पर स्ट्राइक की, बल्कि हमास के आतंकवाद की पूरी तरह से सर्जरी भी कर दी है, और गाजा को इजराइल में शामिल करने की लगभग तैयारी या पूर्ण नियंत्रण, संपूर्ण नियंत्रण का प्लान तैयार हो चुका है। IDF उत्तरी गाजा को पूरी तरह से घेर चुकी है, और हमास के कई महत्वपूर्ण ठिकाने IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के कब्जे में है। IDF ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा में हमास की चौकियों पर एंटी टैंक लॉन्चर्स, मिसाइलें, भारी मात्रा में हथियार मिले। आधा गाजा कब्जा हो चुका है, इजराइल ने कब्जा लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि भाई पिछले एक महीने की जंग में, आज हर कोई जानना चाह रहा है ना, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर बारूदी बवंडर क्या हुआ एक महीने में, इस एक महीने की जंग में इजराइल ने मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर क्या क्या बदल कर रख दिया, सुनते जाइए बस। अब आप, एक महीने की जंग में इजराइल गाजा के 2 टुकड़े कर चुका है। एक महीने की जंग में इजराइल ने उत्तरी गाजा पर नियंत्रण कर लिया है, नंबर 2। नंबर 3, एक महीने की जंग में इजराइल ने फिलिस्तीन का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है। नंबर 4, एक महीने की जंग में इजराइल ने औसतन हर घंटे 40 बम गिराए, यानी कि हर 90 सेकंड में इजराइल एक बम गिरा रहा है। 18,000 टन से ज्यादा बम, कितने, 18,000 टन से ज्यादा बम बरसा चुका है इजराइल गाजा पर, हमास पर। एक महीने की जंग में इजराइल की सेना हमास के 50 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को खत्म कर चुकी है, खल्लास। एक महीने की जंग में इजराइल ने हमास का समर्थन करने वाले दर्जनों मुस्लिम देशों को राजनीतिक रूप से पस्त कर दिया, और एक महीने की जंग में इजराइल ने बता दिया कि दुनिया का बड़े से बड़ा दबाव देश हित से ऊपर नहीं हो सकता। एक महीने में, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर में, इजराइल ने ना अमेरिका की सुनी, ना सुनी UN की, करी तो सिर्फ मन की। एक महीने की जंग के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में
मानवीय आधार पर इसराइल अल्प विराम लागू कर सकता है। ये अल्प विराम युद्ध विराम से कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब पॉज, सीज फायर नहीं, पॉज। युद्ध विराम तभी होगा जब हमास इसराइल के बंधकों को छोड़ेगा। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार कहा कि अब इसराइल अनिश्चित काल के लिए गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा, गाजा पर इसराइल का नियंत्रण होगा, क्योंकि इसराइल देख चुका है कि गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाने पर 7 अक्टूबर को क्या हुआ। एक और चीज जो गौर करने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हमास को तोड़ने और कहीं का नहीं छोड़ने और गाजा के टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी इसराइल अपने 200 से ज्यादा बंधकों को हमास के आतंकवादियों के चंगुल से अभी तक नहीं छुड़ा पाया है। Those who don't want to continue the way of Hamas, it certainly is not. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility, what we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. कि गाजा आजाद हो जाएगा, फिलिस्तीनियों को पूरी वहां पर रहने की आजादी होगी, लेकिन कंट्रोल इसराइल का होगा। एक महीने के युद्ध के बाद अब गाजा की स्थिति यह है कि गाजा की लड़ाई में पिछले एक महीने में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000, 15,000 से ज्यादा लोग गाजा से विस्थापित हो चुके हैं। इसराइल के करीब 3,00,000 सैनिकों ने गाजा पट्टी को घेर लिया है और उत्तरी गाजा की 87% बिल्डिंग्स, 87% इमारतें करीब करीब खंडर बन चुकी हैं। और गाजा में हमास की स्थिति अब और खराब होने वाली है, क्योंकि युद्ध के 31वें दिन हमास के आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे की हत्या कर दी। और यह कहा जा रहा है कि संभवतः यह हमास की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इकतीस दिन बाद हमास की आखिरी रात, हमास ने सबसे बड़ी गलती कर दी। हमास के खत्म होने तक नहीं रोकेगा इसराइल। हमास और इसराइल के बीच जंग को एक महीना बीत चुका है। एक तरफ हमास हांफ रहा है, उसके कमांडर ढेर होते जा रहे हैं, लेकिन हमास का हमला थम नहीं रहा है। हमास के ठिकाने हर घंटे तबाह हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हमास के 250 ठिकानों को इसराइल ने जमींदोज कर दिया है। लेकिन अब हमास ने ऐसी गलती कर दी है कि उसका सर्वनाश तय है। जिस अल कसाम ब्रिगेड के दम पर हमास इसराइल को धमकी देता था, उस अल कसाम ने ही अपनी मौत का फरमान लिख दिया है। दरअसल रूस और तुर्की की मीडिया से ऐसी खबरें आई हैं जिसने नेतन्याहू को पूरी तरह से भड़का दिया है। रूस और तुर्की मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के भतीजे की अल कसाम के आतंकियों ने हत्या कर दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के भतीजे यैर एडो नेतन्याहू गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर यूनिट में तैनात थे। वो इसराइल की सेना में स्नाइपर यूनिट के कैप्टन थे। यैर एडो का हमास के आतंकियों में ऐसा खौफ था कि उन्हें डेंजरस स्नाइपर के नाम से जाना जाता था।
अगर यह खबर पक्की है तो नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है, लेकिन अब नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि अब हमास का खात्मा ही उनकी जिंदगी का मकसद है। अब ना वो जंग के मैदान से कदम पीछे लेंगे, ना ही इस जंग में हमास को बख्शेंगे। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। इस युद्ध का अंत तभी होगा जब गाजा की जमीन पर हमास का एक लड़ाका भी नहीं होगा। उस दिन तक गाजा के आसमान में आग बरसती जाएगी और हमास के अंत के साथ गाजा इजराइल का हिस्सा बन जाएगा। Our forces have encircled Gaza and effectively cut the Gaza Strip into two, at least above the ground, not under the ground yet. And we are fighting stronghold after stronghold. First we responded to Hamas attacks. Now we have encircled and now we're taking the battle to Hamas. And it's going to be a long, difficult and hard battle here. We don't think that it will be a quick fix, but at the end of it, Hamas will be dismantled. इसराइल हमास जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को नेस्तोनाबूद करने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने सीधे कहा है कि हमास को खत्म करके ही गाजा के लोगों को अच्छा भविष्य दिया जा सकता है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के खिलाफ युद्ध खत्म होने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसराइल की होगी। Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. हमास के ठिकानों और हमास के लड़ाकों को इजराइल की सेना चुन चुन कर मार रही है। अब इजराइल के हमले में हमास के नए ठिकाने सामने आ रहे हैं। इजरायली फोर्स के हमले से डरकर कायर हमास के आतंकियों ने स्कूल में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। बच्चों को ढाल बनाकर हमास ने स्कूल में ही अपने रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए थे। אנחנו נמצאים בשבט צופים של צפון הרצועה. צפון הרצועה, אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את כל התמונות. סדר של הצופים הנחמדים. ובתוך השבט עצמו אפשר לראות פה. בואו. אפשר לראות פה מדולנים, מדולנים... מנות בבוא הנראה, או לאשקלון, או למרחב הצפון. ממש בתוך השבט צופים. तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने इजराइल हमास जंग पर कल ही यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ी बात कह दी। नेतन्याहू ने यूरोप को चेतावनी देते हुए, वार्निंग देते हुए कहा कि गाजा पट्टी में जंग इजराइल और हमास की नहीं बल्कि सभ्यता और बर्बरता के बीच है। इजराइल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में मात खा गया तो अगला नंबर यूरोप और दुनिया के अन्य सभ्य देशों का होगा। नेतन्याहू की यह बात भारत समेत दुनिया के कई सभ्य देश समझते हैं कि गाजा की लड़ाई सभ्यता और बर्बरता के बीच है, लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बर्बरता पर भी हमास का समर्थन करते हैं। हमास के हमदर्द हैं, हमास प्रेमी गैंग हैं, भारत में हमास के आतंकी के भाषण का लाइव टेलीकास्ट कराते हैं, जबकि हमास खुलकर भारत के खिलाफ खड़ा है। अब सुनिए जो बता रहा हूं। ऐसे लोगों के समर्थन की वजह से आज हमास की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने गाजा युद्ध में कश्मीर की एंट्री करा दी है। पाकिस्तान की धार्मिक पार्टी जमीयत उलेमा हिंद के नेता फजलुर रहमान हमास का समर्थन करने के लिए कतर पहुंच गए थे। इसी मुलाकात के बाद हमास के नेता खालिद मशाल ने, हमास के नेता ने कश्मीर को गाजा जैसा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। अब सोचिए, इजराइल के बाद अब हमास भारत से भी पिटेगा। कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन के हालात से कर दी। आतंकवादी खालिद मशाल ने कहा कि कश्मीर और गाजा में जारी अत्याचार मानवाधिकारों पर एक तमाचा है, यानी कि जिस हमास ने गाजा के लोगों को जंग में झोंक दिया वह पाकिस्तान का समर्थन पाने के लिए कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है। हमास
जिन आतंकवादियों ने गाजा को दुनिया का जीता जागता नर्क बना दिया, अब वो कश्मीर से गाजा की तुलना कर। लेकिन हमास को समर्थन देने गए पाकिस्तानी नेता और हमास के आतंकी ये भूल गए कि कश्मीर की स्थिति पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से भी अच्छी है। कश्मीर में इस्लामाबाद की तरह आटे के लिए लोग तड़प नहीं रहे, कश्मीर में इस्लामाबाद की तरह आतंकवादी हमलों का कोई डर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर की समस्या का हल तो भारत ने अनुच्छेद 370 हटाकर दे दिया।